नीट एग्जाम में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्रों ने नारेबाजी करते हुए परीक्षा को फिर से कराने की मांग की है। छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले की जाँच हो और परीक्षा दोबारा कराई जाए। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक छात्र ने कहा है कि हमारी मांग है कि सबसे पहले काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और परीक्षा फिर से कराई जाए। आज आप लोग जंतर मंतर पर मौजूद है, क्या कारण? कारण तो वही है, इससे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पहले छोटे लेवल के होते थे, बड़े लेवल पे हो जा रहे हैं। सर वो जो डर है ना, आज मैं 22 साल का छात्र हूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने पहले कुछ एग्जाम दिए हुए छोटे मोटे। अब उसके बाद यही दिक्कत है कि सारे एग्जाम्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो शायद फिर मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अपने घर वालों के 10-15 लाख खराब करने से बढ़िया ना उसको कहीं काम लेता। सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, कल को यूपीएससी का होगा, कल को जेईई का होगा, कल को एसएससी का पेपर लीक हो जाएगा। ये तो आप वो संस्था है ना, चार बड़ी संस्थाएं, अगर ये बड़ी संस्थाएं भी अगर पेपर लीक करने लगी, ऐसे करने लगी, उसके बाद पीछे जाएगा काम। नीट सत्याग्रह को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सत्याग्रह का सर संदेश वही है कि एक बार दोबारा करवाइए सर, अगर धांधली मिली है तब तो करवाइए, अगर धांधली नहीं मिली होती, प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मत करवाइएगा, बच्चे नहीं बैठे होते। सरकार को कुछ तो सर्विस देना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, सरकार बच्चों को कुछ थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को, कि बच्चों का क्या होगा आगे, अगर आज ये सब हो रहा है, आज इनके साथ पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कल को ये क्या करेंगे? सीटें उन बच्चों को दे दोगे जो आप जिनको कुछ आता नहीं है, कल को वो डॉक्टर बन जाएंगे, कल को वो ऑफिसर बनेंगे, वो कैसे निर्णय लेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उन्होंने सीट एलोकेशन का ऑप्शन दे दिया कि सर सीट एलोकेट तो होने दीजिए। पिछली बार हमने देखा था राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक का मामला उठा था एसआई भर्ती का, तो उसमें जो 2014 के आसपास की जो पहले से एसआई बन चुके हैं उनको भी सरकार ने वापस रिट्रीव किया। अब हम 4 साल बाद इन बच्चों को वापस तो निकालेंगे नहीं ना, इनके साथ मजा हो जाएगा। वो तो कि 4 साल तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारी वो एग्जाम चल गई, डिग्री चल गई, उसके बाद तुम्हें वापस निकाल दिया, ये करना है हमें? जब धांधली का आज पता चला है तो चीजों को आज रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी यही है कि सर थोड़ा तो जस्टिफाइड चीजें हो ना। क्या अभी तक आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी मिला है? पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट तो सर सारी पार्टियां कर रही है, लेकिन यहाँ पे एनएसयूए का सपोर्ट मिला हुआ है सर हमें, बाकी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे टेंट वेंट लगवाया, हमारे लिए व्यवस्था करवाई है इन लोगों ने। आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर सरकार से उम्मीद ये है कि पहले एक बार अश्योरेंस दे, बच्चों को समझाएं कि जो हुआ है उसको ठीक करेंगे। सर हमें देश चलाना है, ये देश बिगाड़ना नहीं, इस देश को तोड़ना नहीं, इस देश में बच्चों को बर्बाद नहीं करना, उनका भविष्य बर्बाद नहीं करना, उनको एक होप दे के रखनी है कि आप कुछ करिए, अगर आप मेहनत करते आपको कुछ मिलेगा। तो सर देश का भविष्य बनाना है, हमें सरकार चलानी है, देश चलाना है, तो थोड़ा सा इस पे काम करिए। आप सरकार बनिए नहीं तो आपको इस पे जरूर कुछ कार्य करना चाहिए, नहीं करोगे तो सर ये आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप बच्चों से वोट ले चुके हो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, हम आपके नेता हैं, हम आपके सेवक हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आप जीत के घर जा चुके हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।